नमस्कार, मैं सरिता जांगड़ा कंचन टीवी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज हमारे सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में जन आक्रोश को लेकर जो रैली रखी गई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पे स्वागत करते हुए सुभाष गांगोली जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ सफेदों की रैली की लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। कंचन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को ये रैली दिखा रहे हैं। यहाँ पे लाखों की कगार में जो पब्लिक इकट्ठा हो चुके हैं जी, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से लाखों की कगार में यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं। सफेदों के MLA सुभाष गांगोली जी भाषण देते हुए यहाँ जनता की आप भीड़ जो देख सकते हैं, जन आक्रोश आप यहाँ का देख सकते हैं। लाखों की कगार में यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। जी हाँ, लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप कंचन टीवी के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें सफेदों के पुरानी अनाज मंडी से देख रहे हैं। जी हाँ, सुभाष गांगोली जी यहाँ पे भाषण देते हुए यहाँ की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते कितनी भीड़ यहाँ पे जो इकट्ठा हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ की भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते कांग्रेस का कितना क्रेज हो चुका है सफेदों के अंदर। उन 10 साल जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही सबसे ज्यादा, आज तो बाकी प्रदेश आगे निकल गए, दिल्ली आगे निकल गया, राजस्थान आगे निकल गया, छत्तीसगढ़ आगे निकल गया, हरियाणा बुढ़ापे पेंशन में देश में 15वें नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे 10 साल तक सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में थी। हरियाणा देश में आगे माना जाता था। 10 साल तक कभी किसी वर्ग को धरना देने के लिए बैठना नहीं पड़ा। 10 साल तक हरियाणा में ना कोई व्यापारी आंदोलन हुआ, ना कर्मचारी आंदोलन हुआ, ना किसान आंदोलन हुआ, ना कोई खिलाड़ी आंदोलन हुआ, सबका मान सम्मान हुआ। कोई काम किसी का नहीं भी हुआ मगर मान सम्मान में किसी की कोई कमी मैं समझता हूं 10 साल में नहीं रही होगी। आज आपको तोड़ना है आदरणीय हुड्डा साहब के काम और माननीय महाशय खट्टर जी के काम। ऊपर ही जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो झूठी गारंटी देते फिरते हैं, अभी झूठ की बात हमारे पंडित कुलदीप शर्मा जी ने कही थी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं अपना मोबाइल उठा कर जब देखेंगे और जब गूगल पर जाएंगे तो जब आप आवाज लगाओगे कि हिंदुस्तान में नहीं दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है। ये हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। उसी तरह से जब आप ये देखोगे कि सबसे झूठा मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें मनोहर लाल खट्टर जी का नाम आता है। ये हमारे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से कि वो आए और अपना संदेश दे, विधायक जी ने गदा भेंट करके उनका स्वागत किया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, क्या हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा में भाई अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, फिर क्या होगा? और भाई कहीं जाओ तो सड़क टूटी पड़ी है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया 9 साल में सरकार ने जो जिसकी मैं प्रशंसा कर सकूं, जिसको मैं अच्छा कह सकूं। कांग्रेस के समय में 400 रुपये था गैस सिलेंडर का भाव, ईब 1150 हो गया, ईब सब गैस सिलेंडर पर रोटी पोती है भाई। तो गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 से रुपये ज्यादा से ज्यादा निकल रहा है, 500 का गैस सिलेंडर बनेगा। इसी प्रकार से इनके ऊपर दाब रहता है भाई बिजली मत खर्च करके, बिजली मत खर्च कर बहुत बिल आ जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे भाई हम। और ये मेरे बुजुर्ग बैठे भाई, वायदा 2019 में मैंने करा था उसके चुनाव से पहले हमने कि 5100 रुपये पेंशन देंगे। ये महंगाई आ गई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या होगा, पेंशन 6000 रुपये, 6000 बूढ़े के, 6000 बूढ़े के और 6000 बुढ़िया के हो गए 12000। 2 लाख पक्की नौकरी देंगे हम अपने बच्चों को ताकि आगे भविष्य बने। और भाई सवाल आया यहाँ तरक्की की, ये सुभाष जी कह रहे थे कि IMT की घोषणा करी, अरे घोषणा तो हरियाणा में पहले ही के कर रखी इनने, घोषणा कर दे, ये तो घोषणा सरकार है कुछ नहीं, इन्हें तो एक के काम कर रखा है, बेरोजगारी में नंबर एक। और आज हरियाणा पर जो है कर्जा 4.5 लाख करोड़ हो गया हरियाणा में, करेंगे ये समझ नहीं आया। बिजली का
एक यूनिट इतने नहीं बढ़ाया, मेट्रो एक इतनी इनने बढ़ाई, स्कूल कॉलेज इनने नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी इनने नहीं बनाए, कर्जा किस नाम का ले रहे हैं। जिस दिन हमने 66 में हरियाणा बना था, 14 में सरकार छोटी, चार खाने बिजली के लगाए, परमाणु संयंत्र लगाया, बिजली जो एक मुद्दा था खत्म किया, तो सारा इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए, 70,000 करोड़ था हरियाणा में कर्जा, 9 साल में करा कुछ नहीं, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़। तो भाई मेरे मन में आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मेरे मन में टी से बाकी और सब कुछ देख रखा मैंने। मैं आज आपसे इजाजत लेने आया हूँ, सुभाष को तो बना लोगे MLA, लेकिन आपसे ये इजाजत लेने आया हूँ भाई, इसके साथ उम्र तो मेरी देखो होगी 76 साल का हो गया मैं, लेकिन इतनी क्षमता है एक और टक्कर लेने का मेरा दिल कर रहा है इनसे। टक्कर लूंगा जब तुम कह दोगे, थारी इजाजत लेने आया हूँ, टक्कर ले लियो भाई इनसे, हाथ खड़े करके बता दो तो बेड़ा पार है, चिंता ना करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।